गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, कक्षा 8 की हिंदी की कक्षा में आज मैं आपको महान व्यक्तित्व से पहले पाठ सावित्री कहानी का सारांश बताऊंगी। सारांश इस प्रकार से है, प्राचीन काल में हमारे देश के मध्य देश पर अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। इनकी कन्या का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत सुंदर और गुणवती थी। उसके पिता चाहते थे कि सावित्री को बहुत अच्छा पति मिले। एक बार सावित्री तीर्थ यात्रा को गई थी। वन में उसका सत्यवान से परिचय हुआ। सत्यवान के पिता किसी समय सौल देश के राजा थे। उस समय वे वन में तपस्या कर रहे थे। दूसरे दिन सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने के लिए कहा। अश्वपति बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि सत्यवान की उम्र बहुत ही कम है तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन सावित्री अपनी बात पर डटी रही। अंत में अश्वपति ने सावित्री का विवाह करने की अनुमति दे दी। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। एक बार जब वन में सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द उठा और वह बेहोश हो गए, उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को वापस भेजना चाहा, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने सावित्री को अनेक वरदान भी दिए, लेकिन सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को फिर समझाया और उससे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। यमराज अब फिर आगे चल दिए, लेकिन सावित्री वापस नहीं लौटी। अब तो यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने सावित्री को लौट जाने के लिए कहा। सावित्री बोली, धर्मराज, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को आप अपने साथ लिए जा रहे हैं, तब यह कैसे हो सकता है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं? यमराज को अब अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सत्यवान जीवित हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सावित्री की तरह सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। धन्यवाद।